أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Dear students, Assalamu alaikum to all of you. As you know that I am Mr. Mehraj Dinbakh, teacher Government Boys Middle School, Thondu Salola. Today our topic is square root. It's from class 8th. It's subject math and question number 8. Here question number 8 is express 49 as the sum of 7 odd numbers. Express 49 as the sum of 7 odd numbers. It's question number 8 and it's exercise 6.1. सो एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 आर नंबर्स. यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाना है कि 49 आपको दिखाना है सम ऑफ 7 आर नंबर्स, यानी जो 7 आर नंबर्स है पहले उनका जो सम है वो आपको दिखाना है 49. वही तो यहाँ पे है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 आर नंबर्स, यानी आपको 49 सम ऑफ 7 आर नंबर्स दिखाना है. तो वो किस तरह हम दिखाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे. सबसे पहले अगर आप देखेंगे फोर्टी नाइन इज द स्क्वायर ऑफ 7, यानी 49 इज द स्क्वायर ऑफ 7. जो 49 है इसका जो स्क्वायर है वो है 7. क्यों? क्योंकि 7 इज आर 49, इसीलिए यहां पे मैंने लिखा 49 जो है वो स्क्वायर ऑफ 7. डियर फोर, अब हम शॉर्ट में लिखेंगे डियर फोर फोर्टी नाइन इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स. यानी उसके बाद मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा 49 जो है वो स्क्वायर ऑफ 7 है, यानी क्योंकि 7 इज आर 49. उसके बाद मैंने लिखा डियर फॉर 49 इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 आर नंबर्स. उसका मतलब जो ये 49 है, जो सबसे पहले हमारे पास 7 आर नंबर्स है, सबसे पहले 7 आर नंबर्स है, उनका ये सम बनता है. किस तरह? डियर फॉर 49 इज इक्वल टू, अब आप यहाँ जो पहले 7 आर नंबर्स हैं वो लिखने हैं. 49 सबसे पहले है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13. ये कितने आए? 1 2 3 4 5 6 7. अगर आप इनको उस तरह भी टोटल करेंगे आप वहां पर देखेंगे कि इनका जो टोटल है वो बनता है 49. ये इस क्वेश्चन का आंसर है. उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो दूसरा पार्ट है, इसी तरह आपको यहाँ पर दूसरे पार्ट में दिखाना है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 आर नंबर्स, यानी एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 आर नंबर्स. ये भी क्वेश्चन नंबर 8 है. क्वेश्चन नंबर 8 का ये दूसरा पार्ट है. यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखाना है एक्सप्रेस 121 एज द सम ऑफ 11 आर नंबर्स, यानी 121 है जो है इसको आपको, यानी जो पहले वाले 11 आर नंबर्स है उसका ये दिखाना है यहाँ पर सम. तो उसके बाद हम इसी तरह इसको लिखेंगे. जो सबसे पहले अगर आप देखेंगे 121 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, क्योंकि जब आप 11 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे वो बनता है 11 11 121. इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा कि जो 121 है ये किसका स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है यहाँ पर. तो उसके बाद लिखेंगे डियर फोर 121 is the
sum of first 11 odd numbers. चार्ट में यानी यहाँ पर मैंने लिखा कि इसका मतलब जो है, सबसे पहले मैंने लिखा जो 121 है, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11, तो डियर फोर जो 121 है इट इज द सम ऑफ फर्स्ट 11 आर नंबर्स, तो डियर फोर 121 इज इक्वल टू पहले वाले जो फर्स्ट 11 आर नंबर्स हैं वो है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17। ये कितने आए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी दो लिखना है, उसके बाद है 19 एंड 21। तो यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप 1 से 21 तक इनका जो ऐड करेंगे वो बनता है यहाँ पे 121। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने दिखाया, यहाँ पे आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको दिखाना था दूसरे पार्ट में 121 को आपको फर्स्ट 11 आर नंबर्स का सम दिखाना था। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले 121 जो है ये स्क्वायर ऑफ 11 है, क्योंकि 11 को जब हम दो बार मल्टीपल करते हैं वो बनता है यहाँ पे 11 11 121। तो उसके बाद डियर फोर 121 इज द सम ऑफ 11 आर नंबर्स, उसका मतलब शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं कि जो 121 है ये सम ऑफ 11 आर नंबर्स है। किस तरह, वो यहाँ पे मैंने लिखा 121, तो ये यहाँ पे फर्स्ट 11 आर नंबर्स है, इनको आप जब टोटल करेंगे शॉर्ट में आप देखेंगे कि उसका जो टोटल है वो 121 बनता है। शुक्रिया।